और अगली आगजनी की खबर सामने आ रही है सिंधी बाजार से, जहां कपड़े की कई दुकानों में आग लग गई। रेस्टोरेंट में रखे सिलेंडर भी तेज धमाके से दहल उठे। तेज धमाकों से आसपास का इलाका भी दहल उठा। आगरा में कुछ दुकानें पूरी तरह स्वाह हो गई। आगरा के सिंधी मार्केट में कुछ दुकानें आग की चपेट में आकर खाक हो गई हैं। 5 दमकलें मौके पर आग से जूझ रही हैं। आप देख सकते हैं आग के गुबार आसमान छू रहे हैं। धुएं का काला गुबार आसमान छू रहा है। बढ़ती गर्मी के साथ साथ आगजनी की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। सिंधी बाजार में पूरी तरीके से खलबली मची हुई है। फायरकर्मी वहां मौजूद है, पुलिस के साथ साथ दमकल की कई गाड़ियां वहां मौजूद है। आग लगने से बाजार में हड़कंप मच चुका है। आसपास के दुकानदार दुकानें बंद करके भाग चुके हैं। आग में भारी नुकसान होने की आशंका भी जताई जा रही है। आप सामने देख पा रहे हैं तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि इस प्रकार आग विकराल रूप धारण कर रही है। दमकल कर्मी आग बुझाने में लगातार जुटे हुए हैं, लेकिन आग जो है बुझने का नाम नहीं ले रही है। धुएं के गुबार आसमान छू रहे हैं। पूरा सिंधी मार्केट धुएं के गुबार में तब्दील हो चुका है, काले धुएं में तब्दील हो चुका है। ये पूरा मामला सिंधी बाजार का है, जहां कई कपड़े की दुकानें आग की चपेट में आ चुकी हैं और आग इतनी भीषण है कि बुझाना मुश्किल हो रहा है, शांत करना मुश्किल हो रहा है। संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ, संदीप शर्मा। संदीप, कैसे लगी पूरी आग और अभी क्या स्थिति है वहां की? देखिए आयुषी, अगर बात की जाए जिस तरीके से लगातार तापमान बढ़ रहा है, उसी को देखते हुए आग की घटनाएं भी जो है दिन प्रतिदिन बढ़ना शुरू हो गई है। लगातार क्या कहते हैं, जनपद में प्रतिदिन जो है आग की घटनाएं जो है सामने आ रही हैं। यही वजह है कि आज भी जो है सिंधी बाजार जो कपड़ा मार्केट है, वहां पर एक रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट वहां पर आग लगी और आग लगने से जो दुकानें हैं, कपड़ों का जो बाजार है, वहां पर आग फैल गई पूरी। जिस समय घटना हुई, उस समय जो है जो रेस्टोरेंट में जो सिलेंडर जो रखे हुए थे, वो भी तेज धमाकों के साथ फटने लगे। तो जो स्थानीय लोग थे, आसपास के लोगों ने अपनी दुकानों को, प्रतिष्ठानों को बंद कर दिया और वो वहां से निकल गए। लेकिन फायर की टीम को, जब स्थानीय पुलिस और फायर की टीम को फोन किया गया, तो वह मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने का प्रयास यहां लगातार किया जा रहा है। तो एरिया है तो गाड़ी आने में थोड़ी देरी हो जाती है, तो जिस तरीके से, लेकिन अगर बात की जाए तो संजय पैलेस बराबर में ही है। वहां से गाड़ियां जो है तत्काल फायर की टीम मौके पर पहुंची है और आग बुझाने का प्रयास यहां किया जा रहा है। लेकिन अगर बात की जाए तो स्थानीय लोग हैं, उनका कहना है कि आग लगने से जो है काफी नुकसान हुआ है, लेकिन अभी इस चीज का आकलन नहीं हो पाया है। जी बिल्कुल, ये जो है आगरा का सिंधी मार्केट जो है संदीप, बहुत ज्यादा फेमस बाजार है, भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा रहती है। यहाँ पर आग लगना बहुत बड़ी बात है। ये बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह है, रशी इलाका है। यहाँ पर लोगों का आवागमन सुचारू रहता है। लगातार 11-11 बजे तक यहाँ दुकानें खुलती है और इसमें आग लगना बहुत बड़ी बात है। आपको बता दें कि पूरा सिंधी मार्केट इस समय आग से जूझ रहा है, घबरा रहा है। आप देख पा रहे हैं आग के जो गुबार है, धुएं के गुबार है, आसमान छू रहे हैं। फायरकर्मी लगातार पानी से आग बुझा रहे हैं, लेकिन आग जो है बुझने का नाम नहीं ले रही है। सिंधी मार्केट में इस तरह का घटना होना वाकई में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका है, बहुत ज्यादा फेमस बाजार है सिंधी बाजार, जहां पर लोगों का आवागमन सुचारू रहता है, लोगों की भीड़ लगी रहती है, खरीदारी करने के लिए लोग पहुंचते रहते हैं, और यहाँ पर आग लगना बहुत बड़ी बात है। और लगातार देख पा रहे हैं कि दमकल कर्मी वहां मौजूद है, जो कि आग बुझाने में जुटे हुए हैं, लेकिन आग जो है बुझने का नाम नहीं ले रही है। गर्मी के साथ साथ आगजनी की घटनाएं इस कदर विकराल रूप धारण कर रही हैं, इस कदर बढ़ रही हैं कि लोगों का जीना दुश्वार हो चुका है। और ये पूरा जो वजह सामने आ रही है, वो रेस्टोरेंट में रखे सिलेंडर में तेज धमाके की वजह सामने आ रही है। यानी कि आग लगी, छोटा सा शॉर्ट सर्किट था और ऊपर जो रेस्टोरेंट में, दुकान में रेस्टोरेंट था, उसमें सिलेंडर रखे हुए थे जो कि फट चुके थे, जिसकी वजह से पूरा धमाका हुआ है। तेज धमाकों से आसपास का पूरा इलाका दहल चुका है। कुछ दुकानें सिंधी बाजार में, कुछ दुकानें हैं जो पूरी तरीके से स्वाह हो चुकी हैं, आग में जलकर खाक हो चुकी हैं। आपको बता दें कि ये पूरा 5 दमकलें वहां मौके पर पहुंच चुकी हैं, आग से जूझ रही हैं। आग लगने से बाजार जो है पूरी तरह खलबली में तब्दील हो चुका है, खलबली मच चुकी है सिंधी मार्केट बाजार में। आसपास के दुकानदार जो है अपनी अपनी दुकानें बंद करके भाग चुके हैं। संदीप, वहां क्या कोई घटना तो सामने नहीं आई, किसी के कुछ किसी अनहोनी तो नहीं हुई? देखिए आयुष, अगर बात की जाए तो कोई इस तरीके की अनहोनी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन आग बुझाने का प्रयास लगातार फायर टीम यहाँ कर रही है, स्थानीय पुलिस भी यहाँ मौके पर मौजूद है और लोगों को समझाया जा रहा है। वहां से जिस जगह घटना हुई है, वहां से लोगों को जो है हटा दिया है और लगातार जो फायर कर्मी है आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। तमाम गाड़ियां फायर की यहां पहुंच चुकी हैं
और संदीप कितनी नंबर की गाड़ियां वहां पहुंची और कौन कौन से अधिकारी इस समय मौके पर मौजूद है? देखिए फायर की जो मुख्य अग्निशमन की जो टीम होती है उसके जो एसएसओ हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और थाना अध्यक्ष यहाँ मौजूद हैं कोतवाली, साथ ही पूरा फोर्स भी यहाँ पर है, लेकिन अगर बात की जाए लगातार किया जा रहा है। संदीप बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस समस्त जानकारी के लिए। आपको बता दें कि आगरा के सबसे प्रसिद्ध बाजार संदीप बाजार में कपड़े की कई दुकानें आग की भेंट चढ़ गई, आग से जलकर खाक हो गई। रेस्टोरेंट में रखे सिलेंडर में तेज धमाका हुआ जिससे पूरा आसपास का इलाका दहल चुका है। आग में कुछ दुकानें पूरी तरह खाक हो गई और जिसका ये पूरी वजह सामने आ रही वो छोटा सा शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है जो इतनी बड़ी आगजनी में तब्दील हो चुका है।